यस नाउ कम ऑन टॉपिक। ओके सर, थ्योरी कुछ करेंगे, रिकॉर्ड हो रहा है? यस कम ऑन टॉपिक। ये उस दिन बेटा बात हो रही थी कि रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी के बारे में, कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्यों चेंज हो जाती है। जैसे हमने पढ़ा है कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगातार इंक्रीज करती जाती है, मींस थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल ऑलवेज ग्रेटर देन सेकंड, सेकंड विल ग्रेटर देन फर्स्ट। ओके, क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है, जनरल भाषा में आप जान लीजिए। अब चूंकि बुक में आपके एक वर्ड यूज कर दिया है रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी का, तो उसको आप ऐसे समझ लो बेटा कि जब जो है किसी एलिमेंट से वन इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसका जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है, ठीक ना। और उस चेंज के कारण से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं, या कह लीजिए जो सबसेल होती हैं, उनका एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है, ठीक ना। जैसे आप ऐसे समझ लो बेटा कि अगर हम यहाँ पर वैनेडियम को ले लें, वैनेडियम 23 है, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाते हैं, इसमें हो जाएगा 4s2 एंड 3d3 होगा, ठीक। अगर इसको आप v प्लस कर देते हो, वन इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 4s1 एंड 3d3। अब v प्लस में क्या होगा बेटा, 23 प्रोटॉन होंगे और 22 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर जो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ सबसेल है, या दूसरा कह सकते हो कि जो न्यूक्लियर का फोर्स या न्यूक्लियस का फोर्स इन सबसेल पर था वो चेंज हो जाता है ना। यानी एक प्रकार से क्या होता है कि जो सभी ऑर्बिटल्स पर या सबसेल पर न्यूक्लियस की एनर्जी थी, या जिस एनर्जी से वो पुल कर रहा था, वो रीऑर्गेनाइज होती है, रीअरेंज होती है कह सकते हो फिर से। क्यों? सब पर एनर्जी चेंज हो जाएगी, न्यूक्लियस का फोर्स चेंज हुआ। और इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या हो जाता है कि एक्सचेंज एनर्जी भी इंक्रीज कर जाती है। ये सब टर्म यूज किए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सब में वो लागू हो। एक्सचेंज एनर्जी कभी कभी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। जैसे अगर आप यहां पर देखो Fe26 में कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s2 और 3d6 होता है। अगर Fe जो है देखो 3 प्लस में जाएगा तो यहां पर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, d5। पहले जो है यहां पर 6 था बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब 5 होगा तो बट नेचुरल है कि यहां पर इसकी एक्सचेंज एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत यहां पर इसकी एक्सचेंज एनर्जी बढ़ेगी? आधे को तो, आधे क्या, 99% को भूल गया होगा कि एक्सचेंज एनर्जी भी हम कभी पढ़े हैं, किसी को याद है? हेलो, एक्सचेंज एनर्जी कभी पढ़े हो जमाने में, याद है? क्लास 11 चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर लास्ट पॉइंट बॉक्स में दिया है, याद है किसी को? वहां पर एक टॉपिक दिया है स्टेबिलिटी ऑफ ए सबसेल, उसमें हाफ फिल्ड सेल एंड कंप्लीट फिल्ड सेल के बारे में एक्सप्लेन किया है, और वहां पर दिया है कि मोर द एक्सचेंज, मोर विल बी द एक्सचेंज एनर्जी एंड मोर विल बी द स्टेबिलिटी, याद है किसी को? हेलो, नो सर, नो सर, नो सर, ठीक। बट इतना जान लो, एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है कि जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो, या जो कोई भी सबसेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो अपनी रिलेटिव पोजीशन को चेंज करते हैं या एक्सचेंज करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज। और उसके द्वारा क्या होता है कि एनर्जी जो क्रिएट होती है उसको एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं। थोड़ा इसको ऐसे समझ लो कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन है डी सबसेल में, ध्यान दो, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन आपका बेटा ये क्या कर सकता है,
कोई एक्सचेंज नहीं कर सकता क्योंकि कोई ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन अगर दो इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है और ये इसमें तो आ सकता है। यस सर। एक एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ? एक्सचेंज एक ही होगा जो दो दिख रहा होगा, क्योंकि ये अगर इसमें जाएगा तो ये अपने आप इसमें चलाएगा, एक्सचेंज एक ही हुआ। ओके लेकिन यहां पर देखो, अगर ये पांच है तो कितना एक्सचेंज करेगा? देखो वन वाला एक्सचेंज कितना करेगा, एक दो तीन चार, चार एक्सचेंज किया। बोलो। यस सर। ये वाला चार एक्सचेंज किया, ये वाला कितना एक्सचेंज करेगा? देखो एक दो तीन करेगा। अरे इन तीनों से एक्सचेंज कर सकता है, तीन किया, ये वाला कितना एक्सचेंज कर सकता है? दो। दो। ये वाला कितना कर सकता है? एक। और ये वाला जीरो। जीरो इसलिए हुआ, तुम इधर से करोगे तो ये भी चार हो जाएगा। रीजन क्या है, जब ये लोग एक्सचेंज कर चुके तो इन्हीं से एक को एक्सचेंज करना था और वो ऑलरेडी एक्सचेंज हो चुका है। अब समझा? यस। और इधर से काउंट करोगे तो ये भी चार करेगा, फिर ये तीन करेगा, दो करेगा, एक करेगा। लेकिन जब लास्ट में लोगे इसको तो लास्ट वाले भी जब इससे एक्सचेंज किए हैं तो ये भी तो एक्सचेंज उनसे कर चुका है। अब समझ में आया? इसलिए इसका आंसर हो गया। यानी अगर 5 unpaired इलेक्ट्रॉन है तो कितना एक्सचेंज हो गया? 10। 10 हुआ। अब अगर मान लो 10 हो जाता है, इसीलिए कंप्लीट फील्ड क्यों ज्यादा स्टेबल हुआ, अगर 10 हुआ तो अगर ये 5 किया तो दूसरे वाले भी तो 5 करेंगे। बोलो। हेलो। यस सर। यानी कंप्लीट फील्ड वाला कितना किया डी सबसेल में, 10 के बजाय कितना हो जाएगा, 20। इसलिए कंप्लीट वाला मोर स्टेबल हो जाता है और ये वाला 5 वाला लेस सिस्टम, उससे कंपैरेटिवली लेस। और पार्शियल फील्ड है तो सबसे लिस्ट स्टेबल होता है। यानी द एनर्जी प्रोड्यूस बाई द एक्सचेंजिंग द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द गिवन सबसेल इज नोन एज एक्सचेंज एनर्जी। ठीक ना? तो क्या होता है, कभी कभी अगर कॉन्फिगरेशन चेंज हो गया बेटा, ऐसा कॉन्फिगरेशन आ जाता है जिससे क्या हो, एक्सचेंज बढ़ जाए, तो उससे क्या होगी, एक्सचेंज एनर्जी बढ़ जाती है और उससे भी स्टेबिलिटी प्रभावित होती है। ठीक ना? एक चीज जो दिया है मैं उसको इसलिए आपको नहीं बता रहा हूं कि वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। जैसे एक मैं बता दूं, आप केवल इसको मान लेना कि मैं पढ़ा नहीं हूं, केवल मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक? क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला चीज बता रहा है जो मैंने बड़ी खोज किया है, क्योंकि साइड बुक और एनसीईआरटी दोनों ही सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन मेरे हिसाब से नहीं दे रहे थे। जो मैं खोज किया उसमें क्या आया बेटा, हालांकि एनसीईआरटी भी लिख रहा है उस बात को, उसी बात को मैं आपको कहने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी एक बात क्या लिखता है बेटा, अगर हम किसी एटम से या ट्रांजिशन एलिमेंट में 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या होता है, उसमें देखो एक लाइन लिख रहा है कि रिलेटिव पोजिशन ऑफ 4s and 3d इलेक्ट्रॉन इज चेंज। और उसमें यह भी लास्ट में लिखा है कि 4s इलेक्ट्रॉन कैन गोज इन 3d ऑर्बिटल, ये भी दे रहा है। और उसमें देखो कैसे वो दे रहा है, अगर वैनेडियम प्लस बनता है बेटा तो अभी तक जो हमने अपने जो है पिछली स्टडी को अगर हम लोग देखे तो हमने ये पढ़ा है। ठीक? यहां देखो, उसको छोड़ दो, बाद में देखना कॉपी में। ये अगर पुरानी स्टडी तुम देखो तो यही पढ़े हो। ठीक ना? यस से एक इलेक्ट्रॉन निकलने का बी एस बनेगा, बी वन प्लस बनेगा तो, और यस में 1d में 3 होगा। लेकिन जो अंदर की बात है, हायर लेवल पे अगर जाओगे तो क्या होता है, चूंकि यस और डी का एनर्जी लेवल लगभग सिमिलर होता है, बहुत कम गैप होता है, उससे क्या होता है कि जो यस का इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी लेवल में चला जाता है और एक्चुअल कॉन्फिगरेशन बी प्लस का हो जाता है 4s0 3d4 होता है। और 3d4 यही होने से क्या होगा कि जो d में 3 इलेक्ट्रॉन थे 1 2 3, अब यहां पर क्या हो गया 4 हो गया। यानी अब इससे क्या होगी, एक्सचेंज एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी।
ये थ्री है तो कितना एक्सचेंज कर सकता है, एक दो, ये कितना करेगा एक, कितना चेंज हुआ तीन हुआ, इसमें एक दो तीन, थ्री देन वन टू, कितना हुआ फाइव, और एक ये सिक्स, इसमें सिक्स एक्सचेंज हो गया, इसमें थ्री हुआ, यानी एक इलेक्ट्रॉन से कितनी महिमा चेंज हो गई, दिखाई दिया, एक इलेक्ट्रॉन से कितना चेंज आ रहा है, ये थ्री एक्सचेंज था, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से सिक्स हो गया, जस्ट डबल, और इसी कारण से सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसकी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, ये समझा है, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई, और स्टेबिलिटी इंक्रीज की तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज कर गई, क्लियर, ये समझा, यस सर, यही चीज वो देता है बेटा कि अगर ऐसा किसी में इफेक्ट आता है तो एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम से जब आप निकालते हो तो उसमें फोर या सौर थ्री डी के जो इलेक्ट्रॉन है या जो सबसेल है उनमें इलेक्ट्रॉन है उनका कॉन्वेशन या रिलेटिव पोजीशन चेंज हो जाती है, रिलेटिव स्टेबिलिटी चेंज हो जाती है, न्यूक्लियस का फोर्स चेंज हो जाता है, जिसके कारण से जो है वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं और स्ट्रांगली जो है उस न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्टेड हो जाते हैं, या उनकी स्टेबिलिटी बढ़ने से क्या होगा, न्यूक्लियस का फोर्स बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, दोनों का मतलब एक ही होता है, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक। आगे का टॉपिक पढ़ो, दिस इज मोस्टेस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज मोस्टेस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक, ओ सॉरी पूरा नहीं दिख रहा है, फिर से लिखते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक, ओके। चूंकि इसमें 10 एलिमेंट को इंक्लूड करना है तो सभी को लिखना पड़ता है, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने में 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। कॉन्फिगरेशन विल बी S2D1, S2D2, S2D3, S1D5, S2D5, S2D6, कोबाल्ट 27, S2D7, निकिल 28, S2D8, कॉपर 29, S1D10 एंड जिंक 30, S2D10। दिख रहा है बेटा जिंक, यहां से देखो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर इनकी क्या होगी, स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +2, +3, +4, underlined means these are the most stable oxidation state in all elements, vanadium +2, +3, +4, +5, chromium +2, +3, +4, +5 and +6, manganese +2, +3, +4, +5, +6, +7, iron +2, +3, +6, cobalt +2, +3, +4, iron में भी +4 लिख सकते हो बट लिस्ट स्टेबल होगी, निकिल में +2, +3, कॉपर में +1, +2, जिंक में +2, ओके। इन सब में कंपेरेटिवली लेस स्टेबल होगा लेकिन +2 यस का इलेक्ट्रॉन निकलने से आप लिख सकते हो, ओके। क्रोमियम में लिस्ट स्टेबल होगा कंपेरेटिवली। यहां पर बेटा अब आपको ये देखना है कि फ्रॉम स्कैंडियम टू मैग्नीज यू कैन सी ऑक्सीडेशन नंबर इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, तो उसके पहले सीधा जान लो
ड्यू टू वेरी स्मॉल गैप इन द एनर्जी लेवल ऑफ यस एंड डी इलेक्ट्रॉन. ओके, यस एंड डी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन एंड सो सोज ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू द सम ऑफ यस एंड डी इलेक्ट्रॉन. ओके, बट सम ऑफ एस एंड डी इलेक्ट्रॉन का मतलब यह नहीं है कि पेयरिंग के बाद भी सो करेगा, अप टू अनपेयर्ड तक जाएगा. ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं तो डी सिक्स है यहां एट चले जाओ. ओके, अब देखो बेटा यहां पर क्या होगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजेज अप टू मिडिल, दैट इज अप टू एम एन. क्यों? यस टू डी फाइव है बेटा, तो टू प्लस फाइव, और ग्रुप नंबर अगर देखो तो क्या हो जाएगा, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यानी ग्रुप नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल है. देन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व. यहां देखो बेटा अप टू मैग्नीज ग्रुप नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल, और ये क्यों हुआ, ड्यू टू द यस टू डी फाइव कॉन्फिगरेशन. जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी के पांचों, वो सभी बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे. क्लियर? और इसीलिए जो है पहला क्वेश्चन, अब आप देखो जो आएगा, हम इसमें क्वेश्चन और आंसर आपको दोनों लेके देते हैं, बताते चलते हैं. एक क्वेश्चन सीधा सा आता है, नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट व्हिच शोज ओनली प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट. क्या जाएगा? स्कैंडियम. अगर आपसे पूछा जाए रीजन, रीजन नहीं पूछेगा बट आपको जानना चाहिए रीजन क्या होगा. ड्यू टू वेरी स्मॉल गैप इन द एनर्जी लेवल ऑफ यस एंड डी इलेक्ट्रॉन, ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द डी सबसेल ऑफ स्कैंडियम एंड सो स्कैंडियम लॉस्ट देयर ऑल यस एंड डी इलेक्ट्रॉन एंड शोज प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, यस और डी का एनर्जी लेवल लगभग बराबर होता है, और चूंकि डी में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए और भी एनर्जी डी सबसेल की कम होती है, जिससे आसानी से यस और डी इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ये प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. क्लियर? अब आगे देखो दूसरा क्वेश्चन, इसी में अब देखो क्या कहता है कि व्हाई द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय द मिडिल एलिमेंट दैट इज मैग्नीज. चाहे वो मैग्नीज वर्ड यूज करे चाहे मिडिल एलिमेंट, दोनों का मतलब एक होगा. क्या बताओगे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल, और दिखाओगे कॉन्फिगरेशन यस टू डी फाइव. ओके, Why the middle element or manganese shows maximum number of oxidation state? क्या बताओगे? Due to presence of maximum number of unpaired electron in d subcell. और आप दिखा दोगे yes to d five, that is करके लिख दोगे. Clear? और यहाँ पर जोड़ दोगे two plus five, यानी total seven oxidation state हो गया. Clear? ये हो गया. आगे देखो. After middle, यानी manganese. मैक्सिमम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज ओनली थ्री. थ्री से अधिक किसी का नहीं है. अरे आयरन में थ्री, कोबाल्ट में थ्री, आगे टू, सभी में है. ओके, क्यों? बिकॉज ऑफ फिलिंग ऑफ डी सबसेल इज स्टार्ट, या स्टेबिलिटी ऑफ डी सबसेल इज इंक्रीजेस एंड सो द लॉस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन बिकम्स डिफिकल्ट एंड सो they are unable to participate in the bond formation. Okay, d electron wo easily loss nahi kar pate hai, jisse wo bond mein participate nahi kar payenge. Clear? Vadikant, general oxidation state of d element is plus 2. How it is achieved? By the loss of yes एस इलेक्ट्रॉन. अरे यस बोला हूं तब भी तुम लोग नहीं निकल पा रहे कर पा रहे हो. एस इलेक्ट्रॉन, यस सबसेल में टू इलेक्ट्रॉन होता है, तो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो करते हैं? बाय द लॉस ऑफ यस इलेक्ट्रॉन. तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्लस टू. हाउएवर द ओनली स्कैंडियम इज द एलिमेंट व्हिच शोज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट वन इज प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट. हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय मिडिल एलिमेंट ड्यू टू द highest या maximum number of unpaired electron in d subcell. After the middle, the highest stable oxidation state is plus 3.
ड्यू टू द पेयरिंग ऑफ डी सबसेल द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इजी और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स डिफिकल्ट एंड सो द एलिमेंट शोज मैक्सिमम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्लस थ्री. ओके अदर एलिमेंट शोज प्लस टू एज ए स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके अब थोड़ा इनके हम नीचे वाली बिरादरी से कंपेयर कर दें आपको केवल जानकारी के लिए, उससे आपको कोई विशेष लेना देना नहीं है. लेकिन चूंकि एक ऑक्सीडेशन नंबर की संख्या थोड़ा बढ़ रही है इसलिए मैं बता दूं, ऑस्मियम एंड रूथियम यानी आयरन के नीचे देखोगे बेटा 3D सीरीज में, आगे जाओगे 4D सीरीज में तो देखोगे रूथियम है और उसके नीचे वो और ही है उसका नाम है ऑस्मियम 5D सीरीज में. ओके ये दोनों ही एलिमेंट क्या करते हैं अप टू प्लस 8 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं. ओके हालांकि इसके बारे में आपको ना पढ़ना है ना एक्सप्लेनेशन देना है, फिर भी आप ये जान लो ट्रांजिशन एलिमेंट की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है जो शो कर सकते हैं वो क्या होता है प्लस 8 होता है और वो कौन शो करता है इरिडियम सॉरी ऑस्मियम एंड रूथियम. रूथियम 4D सीरीज का होगा और ऑस्मियम 5D सीरीज का है. ओके इसमें क्यों हुआ बेटा, लार्जर साइज होती है जिसके कारण से ये एस और डी के चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन 5 से अधिक होता है तो ये क्या करते हैं लॉस करके प्लस 8 तक ऑक्सीडेशन नंबर शो कर लेते हैं. क्लियर, बट 8 से अधिक ऑक्सीडेशन नंबर कोई एलिमेंट शो नहीं करेगा. क्लियर, थोड़ा अब इसमें और चीजें देखो बेटा, अगर हम इसको यस और स्पेशली पी ब्लॉक से कंपेयर करें तो क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज इंक्रीजेस बट इन वन यूनिट, इसमें वन यूनिट इंक्रीज कर रहा है जबकि पी ब्लॉक में देखोगे तो क्या होगा 2, 4, 6 या 3, 5 यानी 2 यूनिट इंक्रीज करता है. याद आया क्यों होता है, क्योंकि वहां पर जो सबसेल भरे होते हैं जब इलेक्ट्रॉन एक अगले सेल में प्रमोट करता है या अगले ऑर्बिटल में प्रमोट करता है तो एक इलेक्ट्रॉन जब प्रमोट किया तो क्या हुआ 2 ऑर्बिटल अनपेयर्ड हो गए. अब समझा, अरे नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन या फास्फोरस में जब आप देखते हो फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉन यस वाला पेयर्ड है अगर वो आगे जाएगा पी में या डी में जब प्रमोट करते हैं पी के इलेक्ट्रॉन तो निश्चित रूप से क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन जब आगे गया तो 2 ऑर्बिटल को अनपेयर्ड किया कि नहीं किया फास्फोरस. यस सर. 3 यहां देखो 3s2p3 होगा तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन पी में है लेकिन जब यस का तुम प्रमोट करोगे जो 2 है देखो और जब 3d में इसका जाता है तो यहां जब एक जाएगा तो क्या होगा ये अनपेयर्ड हुआ तो ये भी तो अनपेयर्ड हो जाता है. इसी कारण से जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन के प्रमोशन से 2 ऑर्बिटल अनपेयर्ड होते हैं, इसी कारण से जो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करती है वो बाय 2 यूनिट करती है. उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या टिपिकल एलिमेंट बोलते हैं जिनका केवल आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट हो, उनके लिए याद होगा तो आप एक टर्म यूज करते हो टिपिकल एलिमेंट या क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट. यस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम टिपिकल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं और किसको कहोगे जिसका केवल आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट होता हो. क्लियर, और एक चीज देखो उसमें पी ब्लॉक में याद होगा आपने पढ़ा है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप एलिमेंट में स्टेबल होती है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन एलिमेंट या हीवियर एलिमेंट या बॉटम एलिमेंट में होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. याद आया, जैसे अगर हम नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ की बात करें तो प्लस 5 ऊपर वालों में स्टेबल होगी और प्लस 3 नीचे वालों में होती है. क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. यस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. लेकिन यहां पर कहानी उल्टी होती है, जैसे यहां पर आओ क्रोमियम 3D मॉलिब्डेनम 4D नीचे दिख रहा है बेटा और टंगस्टन. नहीं सर, क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन
यहां से तो दिख रहा है, बोलो क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन, इसमें प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट अगर तीनों की ले लो तो क्या होगा, टंगस्टन की मोर स्टेबल होगी देन क्रोमियम या मॉलिब्डेनम, यहां उल्टा हो रहा है। ओके और क्यों होता है, तो भाई परेशान मत होना क्योंकि जितना मैं ज्यादा बताऊंगा उतना मुझे एग्जांपल लेना पड़ेगा आगे वाले परिवारों से। सर एफ एफ की वजह से, किससे एफ एफ सर एफ सबसे वहां पर क्या था, यस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता था, न्यूक्लियस का फोर्स बढ़ता था और यहां उल्टा होगा, न्यूक्लियस का फोर्स घटेगा है ना, यहां तो घटने वाली बात आएगी, वहां इंक्रीज कर रहा था और यस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे और यहां स्मॉलर साइज है तो यहां पर न्यूक्लियस का फोर्स स्ट्रांग है, इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे क्रोमियम के, लेस या स्ट्रांगली हेल्ड होंगे न्यूक्लियस से एज कंपेयर टू टंगस्टन, तो टंगस्टन इजिली इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा देन क्रोमियम। पढ़े हो ना, ये तो उसी में मेटेलिक बॉन्ड में मैंने बताया था या मेटल के मल्टी एंड बॉलिंग पॉइंट में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, याद है। हेलो, यस सर। अरे क्रोमियम में न्यूक्लियस का फोर्स स्ट्रांग होगा, क्रोमियम पर इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का फोर्स अधिक होगा कि नहीं होगा, डी और यस पे स्मॉल साइज है, और जबकि टंगस्टन पर कम होगा कंपैरेटिवली, ठीक ना। अब यहां पर देखो ये कैसे प्रूव होगा कि क्रोमियम जो सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा, डाइक्रोमेट कंपाउंड आपके यहां सटा दिया है पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्रोमियम जो सिक्स ऑक्सीडेशन होता है ये एसिडिक मीडियम में स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ओके ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्यों, ये इटसेल्फ रिड्यूस हो जाएगा और अगले को ऑक्सीडाइज्ड करेगा। ओके तो इतना तक ही काफी रहने दें कि आपको हम रिएक्शन भी दिखा दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, बट यह है कि आपकी परेशानी के अकॉर्डिंग, बट आप इतना कह दोगे तो आपके लिए चलेबुल है, ठीक। बट इतना आप जानते रहो, पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में स्ट्रांगेस्टेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और पोटेशियम परमैंगनेट भी, दोनों ही कंपाउंड आपकी बुक में दिए हैं, बट ड्यू टू कोरोना दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस दिस ईयर। ओके तो क्रोमियम आप स्टेबिलिटी जान लो, इतना आपके लिए इनफ है, एक चीज इतना समझ में आया, अब और ही आगे बढ़ो। अब आगे अगर बढ़ें तो यहां पर जैसे आपके मन में कभी कभी ख्याल आ सकते हैं, अच्छे बुरे खट्टे मीठे, कि जो आयरन है अगर ये नहीं दिया है, नहीं स्टेबल होता है, तो ये कब या कैसे शो करता होगा। ओके तो इसके लिए अभी हम जब ऑक्साइड में चलेंगे, हैलाइड में चलेंगे और एलिमेंट के साथ कैसे शो करता है तो उसमें बात करेंगे, बट थोड़ा सा वेट कर लो, हम इधर पे बात कर ले थोड़ा। दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, एक क्या आता है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज सोन विद द टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, दे आर यस फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन ओनली। ओके यानी सीधा सा क्वेश्चन आता है पहला कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज शोन बाय व्हिच एलिमेंट एंड व्हाई, दोनों चीजें जान लो, यानी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो ट्रांजिशन एलिमेंट है किस एलिमेंट के साथ शो करते हैं और क्यों करते हैं, दोनों का रीजन। तो क्या होगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज शोन बाय फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन एटम ओनली, रीजन क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ दीज आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और ही अगर आप अपना भाव बनाना चाहो तो एक और चीज बता सकते हो, इनके साथ प्लस पॉइंट है, वो क्या है, दीज आर वेरी छोटे इन नेचर, दैट इज स्मॉल इन नेचर। स्मॉल से क्या फर्क पड़ता है, हो अंगद नारायण सिंह थोड़ा बोलो तो, स्मॉल से क्या फर्क पड़ेगा, अगर हम मान लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ बोलो क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाएगा सर, तो रिपल्शन होगा तब तो इसके लिए बुरी बात है, कहाँ अच्छी बात हुई, अगर रिपल्शन बढ़ेगा बाबू तब तो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, तब तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, बोलो सर। स्मॉलर साइज के वजह से सर जो न्यूक्लियर फोर्स है सर
वो बढ़ जाएगा सर, जो एस जो पहला वाला एस सबशेल रहेगा वो जाके उसमें फ्यूज कर जाएगा न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में फ्यूज कर जाएगा, इसका क्या मतलब है? अरे सीधा क्या होगा बेटा, एक चीज आ लो, ड्यू टू हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिटी क्या होगा, दीज विल फोर्स द ट्रांजिशन एलिमेंट टू पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। और किसको फोर्स करें, हम एलिमेंट ही कहेंगे लेकिन किसको फोर्स करेंगे, जो उसके एस और डी इलेक्ट्रॉन है, क्यों, इनकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिटी है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेंगे, पुल करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ये इलेक्ट्रोनिटी का इफेक्ट होगा। दूसरा स्मॉलर से क्या इफेक्ट आएगा, स्मॉलर से ये बात आएगी कि जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी वो क्या करेगी, स्ट्रांगर होगी और स्टेबलाइज करेगा, ठीक ना। जैसे एक एग्जांपल आपको बताएं, CO जो है बेटा, CO प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट केवल और केवल किसके कारण से शो करता है, फ्लोरीन के साथ शो करता है, COF3 बनता है, क्यों, क्योंकि स्मॉलर साइज फ्लोरीन की है और इसकी लैटिस इंथैल्पी वेरी हाई होती है, क्लियर। अदरवाइज प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोबाल्ट जो है स्टेबल नहीं होता, प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट जो है फ्लोरीन के साथ हैलोजन में शो करता है, क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन के साथ शो नहीं कर सकता, उनकी साइज लार्जर हो जाती है, इसकी जो है लैटिस एंथैल्पी स्ट्रांग होती है स्मॉलर साइज कारण से, है ना, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिटी है और इसके कारण से COF3 स्टेबल होता है, ओके। फिलहाल एक चीज तो जान लो कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ होते हैं, क्योंकि दो रीजन बताओगे, एक इनकी स्मॉलर साइज होती है और दूसरा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अच्छा इसमें एक और ही चीज है, इफ यू कंपेयर तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड बेटर स्टेबिलिटी इज शोन बाय ऑक्सीजन एज कंपेयर टू फ्लोरीन, या ऐसे कह सकते हो कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज शोन बाय ऑक्सीजन इन बेटर वे देन फ्लोरीन, या व्हाई ऑक्सीजन इज बेटर एलिमेंट फॉर शोविंग द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विद ट्रांजिशन एलिमेंट देन फ्लोरीन, ओके। रीजन आपको, उसके पहले हम आपको एग्जांपल कुछ दे दें, मैग्नीज जो है फ्लोरीन के साथ मैक्सिमम 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, प्लस 4, जबकि ऑक्सीजन के साथ Mn2O7 प्लस 7 शो करता है, एक चीज, ठीक ना, मैग्नीज जो है प्लस 7 फ्लोरीन के साथ नहीं शो कर सकता, केवल 4 शो करता है बस, उससे अधिक नहीं, लेकिन ऑक्सीजन के साथ 7 शो करता है, ओके। यानी ऑक्सीजन बेटर रिएजेंट क्यों हुआ, एक आध उसमें स्पेशल क्वालिटी है, थोड़ा सोच सकते हो कोई, एनीवन, क्या हो सकता है नई चीज, बोलो, व्हाई ऑक्सीजन इज बेटर रिएजेंट, बोलो, बॉन्ड से रिलेटेड है, एक हिंट आपको देते हैं, अब बोलो, ऑक्सीजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बना लेता है, जबकि फ्लोरीन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, नहीं बनाता, ये इसका प्लस पॉइंट है। डबल बॉन्ड से क्या फर्क पड़ा हो अंगद सिंह, बोलो सर, डबल बॉन्ड से क्या फर्क पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड बना लिया तो क्या फर्क पड़ता है, डबल बॉन्ड से कौन सा उसमें अच्छाई आ गई सर, बॉन्ड लेंथ और छोटा हो जाएगा सर, बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा उससे, हाँ सर, उससे क्या फर्क पड़ेगा, देखो बॉन्ड लेंथ छोटा यहाँ इंपॉर्टेंट कम है, दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, कि जैसे Mn से अगर 7 फ्लोरीन को शो करना हो तो एक चीज क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू ओवरलैप 7 पी ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन विद द 1 मैग्नीज एटम, ये तो होगा, अगर 7 शो करना है तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, MnF7, तभी तो शो करेगा, दिख रहा है बेटा, yes, sir. अब 7 ऑर्बिटल के मतलब क्या हुआ कि एक मैग्नीज से 7 फ्लोरीन के एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करें, ओवरलैप करें, और अगर 7 इकट्ठे जुड़ेंगे तो क्या होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होगी, यानी कम होगी अवेलेबल,
मैग्नीज का साइज इतना लार्ज नहीं है कि उस सात फ्लोरीन को क्या कर सके, बियर कर सके, या सात फ्लोरीन प्रॉपरली इजीली ओवरलैप कर सके उसके ऑर्बिटल। ये पॉइंट आएगा दिक्कत वाली। तो उससे क्या होगा, अगर सात क्या होंगे तो भोजपुरी में कहते आड़सा होगा, और आड़सा को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा, रिपल्सन क्रिएट होगा, लेस स्टेबिलिटी आएगी और वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ओके, आड़सा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिपल्सन, स्टेरिक हिंड्रेंस, सॉरी। अब समझ आ बेटा, जबकि ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन एक एटम होगा तो कितने को फुलफिल करेगा, दो को, दो बांड को फुलफिल कर रहा है, ये तो होगा। Yes, sir. जैसे अगर देखो सीआर में CrO3 हो गया, तीन ही एटम आए और सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट कंप्लीट हो गई, समझ रहे हो बेटा। लेकिन अगर सीआर को फ्लोरीन के साथ शो करना होता है तो इसको क्या चाहिए, सिक्स फ्लोरीन चाहिए। ये भी तो प्रॉब्लम आएगी, अब समझ रहे हो। लेकिन सबसे बेटर फैक्टर आप क्या बनाओ बताओगे, सीधा व्हाई ऑक्सीजन इज बेटर देन फ्लोरीन, सिंपल एग्जांपल, सिंपल रीजन आप क्या एक्सप्लेन करोगे, ड्यू टू एबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, दैट इज डबल बॉन्ड, क्लियर। ये सबसे आपका जो है बेस्ट उसका रीजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है क्या करता है बेटा, मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है इजिली, और इसके कारण से क्या होगा, वो स्टेबल होता है या ज्यादा बेटर रिएजेंट होता है फॉर सोविंग मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर। और देखो बेटा, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट इज सोन विद द, किसके साथ शो करेंगे, इन द, किसके साथ छोड़ दो, तो किस कंपाउंड में, किस तरह के कंपाउंड में शो करते हैं, ये पढ़ चुके हो नेक्स्ट चैप्टर में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, विद द कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़े होगे बेटा या पढ़े हो, क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर मेटल की जीरो होती है, NiCO4 जीरो, FeCO5 जीरो, पढ़े हो ना, CrCO6 जीरो, कार्बोनिल कंपाउंड पढ़े हो, याद है। यानी लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो ट्रांजिशन एलिमेंट है किसके साथ शो करेंगे, कार्बोनिल लिगैंड के साथ, या कह लो कार्बोनिल कंपाउंड में शो कर सकते हैं, जहां पर इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, जीरो, क्लियर। हाईएस्ट फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ शो करेंगे, क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और वेरी स्मॉल साइज के होते हैं। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब कुछ और चीजें जान लो कि अगर ये बेटा मैक्स लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, तो बट नेचुरल है कि ये क्या करेंगे, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर प्रेजेंट होंगे तो दीज विल शो द डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन शो करेंगे। कुछ एगो एग्जांपल देख लो, जैसे कॉपर है Cu+, यहां पर ये क्या हो जाएगा, Cu and Cu++, कॉपर यहां +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहां पर जीरो हो गई, डिक्रीज कर गई, +2 इंक्रीज कर गई। ओके, कोई दिक्कत। जैसे ऐसे ले सकते हो, Cu2Cl2 है, क्या हो गया, CuCl2+Cu कर लो, उसी टाइप में हो गया, हो जाएगा। कॉपर +1 में था, यहां पर जीरो हो गया, यहां +2 हो गया, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों किया, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन।